हेलो फ्रेंड्स, शासनादेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। आज दो शासनादेश जारी हुए, एक डीए बढ़ोतरी का और दूसरा शासनादेश जारी हुआ वर्ष 2021-22 के लिए बोनस भुगतान संबंधी शासनादेश। इसमें 25% आपको नगद मिलेगा जबकि 75% फंड में धनराशि जमा होगी। किस तरह से मिलेगा, क्या शासनादेश में क्या बताया गया है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आदेश प्रेषित किए हैं प्रशांत द्विवेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में सभी विभागों को इसमें निर्देशित किया गया है। शिक्षा विभाग को भी, प्रावधिक शिक्षा को, स्थानीय निकाय को भी, जिलाधिकारी को भी, और ये 18 अक्टूबर 2022 का आदेश है। उसका विषय है राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान। किस तरह से होगा, देखिए, पठित निम्नलिखित शासनादेश दिए गए हैं। महोदय, उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत नए आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर 2021 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण और प्रावधिक शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 अक्टूबर 2022 द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। उपर्युक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री राज्यपाल इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 47,600 से 1,51,100 इसके बीच में है, अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4,800 तक है, वर्ष 2021-22 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 47,600 और 1,51,100 तक के पद, अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4,800 पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाए, भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तर के अनुमन्य हो। तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 होगी। तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 को ग्रह परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां अगणित की जाएंगी। दिनांक 31 मार्च 2022 को वास्तविक औसत परिलब्धियों ₹7,000 से ज्यादा होने की स्थिति में ₹7,000 की परिकलित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च 2022 को 30 दिन की परिलब्धियां 7,000 × 30, ये इन्होंने हिसाब लगाया, अपॉन 30.4 यानी 6,907 अर्थात 6,908 तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगा। देखिए, आपका तदर्थ बोनस आपको जो मिलेगा ₹6,908 मिलेगा। उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 31 मार्च 2022 की एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। देखिए, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी पूछते हैं कि अभी मुझे कई मैसेज भी आए जिनको नवंबर में नियुक्ति हुई है, नवंबर में नियुक्ति, एक मैसेज आया था कि नवंबर में नियुक्ति मिली है, क्या उन्हें भी बोनस मिलेगा? आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर 31 मार्च 2022 को एक वर्ष की आपकी सेवा पूरी हो गई है, अर्थात आपकी नियुक्ति अगर 31 मार्च 2021 से पहले है,
तो आपको बोनस मिलेगा। और अगर आपकी नियुक्ति 31 मार्च 2021 के बाद की है तो इस बार आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का मैसेज करते रहते शिक्षक क्या हमें मिलेगा, हमें इतने दिन हो गए हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी 31 मार्च 2021 से पहले की नियुक्ति है तो आपको बोनस मिलेगा, और अगर बाद की है तो इस बार आपको बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वर्ष 2021-22 के किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड किया गया हो को वर्ष 2021-22 का तदर्थ बोनस देय नहीं होगा, किंतु ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2021-22 से पूर्व के वर्षों में अनुशासन और अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासन कार्रवाई अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा। जो परिणाम प्राप्त होने कर्मचारी के दोष मुक्त होने की दशा में भुगतान कर दिया जाएगा, और जिन जिन वर्षों का तदर्थ बोनस उक्त कारण से स्थगित रहा है उन सभी वर्षों के बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। तथापि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई और न्यायालय में लंबित आपराधिक मुकदमे प्राप्त परिणाम के आधार पर बोनस की देयता के बारे में अथवा भुगतान करने और न करने के बारे में एक बार जो निर्णय ले लिया जाएगा उन पर उक्त कार्रवाई की जाने वाली अपील और पुनर्विचार के निर्णय के परिणाम के आधार पर बोनस की देयता पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। ये उसमें है, किसी को सस्पेंड किया गया है, किसी पर दंड रखा गया है और मुकदमे में दोष मुक्त हो जाते हैं तो उन्हें मिलेगा और नहीं होते तो नहीं मिलेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की अगणित धनराशि को निकटतम 1 रुपया में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात 50 पैसे उससे अधिक को 1 रुपया मानकर। ये तो छोड़िए, उसे कोई मतलब नहीं है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च 2022 को 3 वर्ष और उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन 5 कार्य दिवस समाप्त वाले कार्यालयों के मामले में 3 या से अधिक वर्ष में 1 वर्ष 2006 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च 2022 को 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन 5 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या उससे अधिक वर्ष में 1 वर्ष 206। देखिए, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आप सीधी सी बात यह है, आपको 6,908 रुपये बोनस मिलेगा अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है। तो इसका भी शासन आदेश जारी हो गया है। देखिए, इसमें बताया गया है सभी श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75% भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और शेष 25% का नगद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के रूप में दी जाएगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अर्थात दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको अनुमन्य तदत्त बोनस का संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा। बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश दिया गया है। तो ये आदेश दिए हैं प्रशांत द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव हैं। तो दो अच्छी खबर आज सुनने को मिली, एक DA भुगतान की, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी, और दूसरी आपकी बोनस की। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।